ये हो गया है। हेलो एवरीवन, आज हम बनाते हैं विदर्भ स्पेशल सोले भात। सोले यानी कि तुअर के दाने, तो इसका हम भात बनाएंगे, मसाला भात। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। यहाँ पे मेरे पास है सोले, सोले मतलब कि तुअर के फ्रेश वाले दाने। इसे हम एक बार अच्छे से धो लेते हैं, कचरा वचरा होगा तो आप इसे निकाल दो। और यहाँ एक कप बासमती हमने चावल लिया है, आधा घंटा पानी में इसे भिगो के रखना है, अच्छे से फूल जाए। सबसे पहले हम जितना चावल लिया है उसके डबल पानी लेके बॉईल करना है और इसे ढक के हम रख देंगे। अब हम मसाला बनाते हैं। थोड़ा सा तेल लेके इसमें धनिया और ड्राई कोकोनट भून लेना है अच्छे से। साथ ही साइड में एक प्याज, इसे भी अच्छे से भून लो, इससे है ना टेस्ट बहुत अच्छी आएगी। धनिया को हम निकाल लेते हैं। इसे अच्छे से हम होने देते हैं। एक ब्राउन कलर का हमें प्याज चाहिए, जिसमें दगड़ फूल, लौंग, दालचीनी, दो इलायची और काली मिर्च, इसे पीस लेना है इसके साथ। अदरक और लहसुन, एक गाठी लहसुन, इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे मिक्सी में से पीस लेते हैं। धनिया, हमारा सारा मसाला, इसे अच्छे से बारीक पीसना है आपको। सबसे पहले हम डालते हैं थोड़ा सा तेल, एक दो टेबलस्पून हमने तेल डाला है। अब हम इसमें डालते हैं तेजपान और हमने जो पिसा हुआ मसाला था ना उसे भी डाल देते हैं। इस मसाले की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मस्त मसाला हो जाता है, इससे अपना राइस बहुत अच्छा हो जाएगा। और मसाला अच्छे से पकने के बाद हम इसमें डालते हैं स्वादानुसार नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लो। अब हम इसमें डालते हैं एक टमाटर, एक आलू, थोड़ी सी फ्लावर और हमारे सोले दाने, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं हमारे चावल। अच्छे से मिक्स कर लो। थोड़ा सा हमने पानी बचा के रखा था ना मिक्सी का, वो डाल देते हैं मसाले वाला। इसे अच्छे से मिक्स कर लो, मिक्स करने में आसानी हो जाएगी। अब हम इसमें डालते हैं गर्मा गर्म पानी। और अच्छे से मिक्स कर लो। अब हम इसे 5 मिनट के बाद देखेंगे। एक बार देख लेते हैं। इतनी मस्त खुशबू आ रही है।
सा ढक्कन हम ऐसे रखेंगे। चलो इसे देख लेते हैं। वाओ देखिए कितना बढ़िया सा ये हो गया है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही मस्त सोले भात बनके तैयार है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।